स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 7 के सारे एग्जांपल हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और बचे हुए जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन 8 टू रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वो कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को फॉलो करिए और क्वेश्चन 8 टू कंटिन्यू कर सकते हैं एंड तक। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, आज हम ये वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, उससे हेल्प से हम वो फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ - 21 x² + 36x - 20। ओके, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे से ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो लिख दीजिए 36x - 20। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर हमें f' क्या मिल जाएगा, 6x² - 42x + 36 - 20 का डेरिवेटिव 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी देखिए हमें क्या करना है, अभी हमें फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, अभी हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पुट कंपेयर करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर f' क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में हम f' के जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें देखिए इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 6x² - 42x + 36 = 0। अभी हम देखिए हमारे पास x का एक वैल्यू मिल सकता है या फिर दो वैल्यू मिल सकता है। इसे हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और ट्राई करते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये इक्वेशन को हम 6x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x² - 7x + 6 = 0। ओके, अभी हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें फैक्टर क्या मिल जाएगा, 6 and 1। तो यहाँ पर देखिए x² - 6x - 1x + 6 = 0। यहाँ पर x कॉमन लिया, x - 6 - 1 कॉमन लिया, x - 6 = 0। देयरफॉर x - 6 x - 1 = 0। देयरफॉर x - 6 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ पर देखिए x का हमें दो वैल्यू मिल गया, x = 6 और x = 1। अभी ये जो दोनों वैल्यू मिले हुए हैं x के, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, f" (x = 12x)। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 12x - 42 = 0। तो आपको 12x - 42 मिल जाएगा। इसे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो अभी हमारे पास x के दो वैल्यू मिले हुए हैं ये दोनों वैल्यू हम ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पहले हम x = 6 पूरे पुट करेंगे, फिर देखेंगे वो हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। ठीक है,
तो उसे हम मैक्सिमम मिलता रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, मिनिमम मिलता रहेगा उसे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर पहले हम x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 6, ये हम x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर f डबल डैश 6 क्या देगा, 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42, तो ये आपको क्या दे रहा है, 30 जीरो से छोटा है या फिर बड़ा है, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये f डबल डैश 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको ये नंबर जो मिल रहा है वो ज़ीरो से बड़ा है तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ इक्वेशन देगा। ठीक है, अगर ज़ीरो बड़ा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन देगा। ठीक है, ये कंडीशन का मतलब क्या है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उल्टा होता है, आप सोचोगे कि ये बड़ा वैल्यू है ज़ीरो से तो वो मिनिमम मैक्सिमम देगा, ऐसा नहीं है। अगर जो वैल्यू मिला हुआ है अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो वो हमें मिनिमम देगा ऑफ द गिवन इक्वेशन का, जो हमारा गिवन फंक्शन दिया उसका। ओके, तो ये हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेन मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 6, मतलब ये हम एक्स इज इक्वल टू 6 हमारे गिवन फंक्शन में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर 36x माइनस 20। ठीक है, इसमें हम x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 6 रेस टू 3 माइनस 21 6 रेस टू 2 प्लस 36 6 माइनस 20। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 216 माइनस 21 36, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 216 माइनस 20। ओके, तो एक स्टेप और दिखा देते हैं, 432 माइनस 7 56 प्लस 216 माइनस 0 20 सॉरी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 128। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू मिल गया। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1, अभी हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहाँ पर देखिए एफ डबल डैश 1 एफ डबल डैश 1 हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फंक्शन क्या है, देखिए इसमें हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 12 1 माइनस 42, तो 12 माइनस 42 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 30। तो ये जो 30 है ज़ीरो से छोटा है, इसका मतलब f डबल डैश 1 इज़ लेस देन ज़ीरो। ओके, तो ये हमें क्या देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1 हमें इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेन मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब हम एक्स इज इक्वल्स टू 1 गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये कंडीशन हमें मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, इसमें हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट,
यहाँ पे 2 - 21 + 36 - 20 के 38 - 20 41 ओके तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ वन हमें क्या देगा इज इक्वल्स टू व्हाट 38 41 - 3 ओके तो मैक्सिमम वैल्यू -3 एट एक्स इज इक्वल्स टू एन एंड मिनिमम वैल्यू इज जो भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिला -3 एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या मिला इज -128 एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 6 ओके स्टूडेंट्स तो ये हमारा आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल इज व्हाट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा फंक्शन है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स लॉग एक्स ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए यू इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है प्लस लॉग एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 तो अभी हमें देखिए एफ डैश एक्स क्या मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया अभी हम क्या करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश एक्स को क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे ओके फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0 ठीक है तो देयरफॉर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें एक्स का एक या दो वैल्यू मिलेगा ठीक है अभी देखिए हमें पता है कि लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर 1 की जगह पे हमने लॉग ई कर दिया यहाँ पे क्या है -1 ई के पावर में जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा लॉग ई रेस टू -1 अभी हम लॉग रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ द साइड यहाँ से हमने लॉग रिमूव किया बोथ द साइड से तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू -x यहाँ पे एक्स का वैल्यू देखिए हमें क्या मिल गया 1/e इंडाइसिस रूल हमने अप्लाई किया 1/(e^n)a-n होता है ठीक है ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्म से ये फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे हमने ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट किया है e^-1 को हमने 1/(e^1) लिख दिया ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमें एक्स का देखिए एक ही वैल्यू मिला हुआ है ठीक है तो वो क्या है वो मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा वो हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके तो यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन कौन सा आई थे इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/(x) तो यहाँ पे एफ डबल डैश क्या मिल गया आपको 1/(x) ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया अभी हम क्या करेंगे ये जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 1/(e) तो देयरफॉर एफ डबल डैश 1/(e) इज इक्वल्स टू व्हाट 1/(e) मतलब e ठीक है यहाँ पर देखिए e मिल जाएगा
ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू हमें पता है 2.718 होता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये मेंटेन मिनिमम एट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर फंक्शन एक्स अटेंड मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/a, ठीक है। इसका मतलब हमें जो गिवन फंक्शन है हमारा वो मिनिमम वैल्यू देगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/e पे, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज़ आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या है हमारा एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स के जगह पर 1/e पुट कर देंगे, 1/e इंटू लॉग 1/e, ठीक है। यहाँ पर बेस में क्या है, e है, ओके। तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/e इंटू लॉग ई रेस टू माइनस वन भी लिख सकते हैं, बेस में e है, ये माइनस वन क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1/e लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। लॉग ई बेस ई का वैल्यू क्या होता है, वन। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1/e इंटू वन, मतलब माइनस 1/e, ओके स्टूडेंट। तो ये हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ 1/e, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी मिनिमम वैल्यू मिला ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज माइनस 1/e एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/e, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट किया, हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिला, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। तो व्हाट इज एग्जांपल नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16/x², ओके स्टूडेंट्स। तो सेम, सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया हुआ है उसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पे 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2/x³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -2/x³। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2x -32/x³। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या मिल गया आपको, दिस, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अभी से हम क्या करेंगे, हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ में हमें 2x -32/x³ इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा ये 2x इज इक्वल्स टू 32/x³, तो x⁴ इज इक्वल्स टू व्हाट, 32/2, मतलब 16। तो यहाँ पे x⁴ इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हमें x का क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, +2 और -2। तो यहाँ पर देखिए हमें x का दो वैल्यू मिलेगा, एक तो +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। तो अभी दोनों वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है और मिनिमम कौन सा पॉइंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा और मिनिमम वैल्यू कौन देगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए अपना सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा और -32x/x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 32 × 3 1/x⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, f
double dash x is equals to 2 minus 32. 1 by x cube का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन x इज टू 4. तो ये हमें 2 प्लस 696 x इज टू 4 मिल गया. ओके तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में हम x का दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2. ओके तो यहाँ पर फॉर x इज इक्वल्स टू 2, तो हम यहाँ पर पहले x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा. देयरफॉर एफ डबल डैश 2, यहाँ पर 2 पुट करते हैं x की जगह पे, 2 प्लस 96 बाय 2 रेज टू 4. तो यहाँ पे हमें 2 प्लस 96 बाय 16, तो ये 6, तो 2 प्लस 6, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 8. 8 ज़ीरो से बड़ा है कि छोटा है, ये तो ज़ीरो से बड़ा है, तो ये हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अटेन मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स रेज टू 2. यहाँ पर हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 16 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 प्लस 16 बाई 4, तो 4 4 सा 8. यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा. ओके देखो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8. अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे. देयरफॉर f डबल डैश माइनस 2 हमें क्या मिल जाएगा, डबल डेरिवेटिव क्या मिला था हमें, 2 माइनस बस 96 बाय माइनस 2 रेज टू 4. तो ये सेम ही मिलेगा, तो ये 8 मिलेगा. ये 8 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये भी हमें मिनिमम वैल्यू ही देने वाला है. जो माइनस 2 है वो भी हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ही देगा. देयरफॉर फंक्शन x अटेन मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी x इज इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है, तो क्या है वो वैल्यू, सेम वही 8 ही मिलेगा हमें. एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 16 बाई 4 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही, दोनों पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है. What is minimum value is 8 at a point 2 and minus 2. यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख दे देंगे. therefore function has minimum value at is 8 at x is equals to 2 and x is equals to minus 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों पॉइंट पे x के हमें इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू ही मिल रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास फंक्शन नहीं है. इसके पहले एग्जांपल हमने देखा फंक्शन था, उसमें हमने मैक्सिमम क्या था वो फाइंड आउट कर लिया. अभी लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करना है, और ये जो स्टेटमेंट है उसके हेल्प से पहले हमें एक फंक्शन बनाना है, और फिर जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया ऑलमोस्ट वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है. लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए,
क्या बोला, डिवाइड द नंबर 20 इन अ टू पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो प्लीज़ अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, फिर वो फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है। ओके, तो क्या करेंगे, तो पहले हम लेट 20 को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना, लेट फर्स्ट पार्ट इज, हमने अज्यूम किया ये एक्स है, देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने एक्स अज्यूम किया तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 20 इन अ टू पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ये और ये, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो अभी क्या बोला, उनका प्रोडक्ट पी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या, फर्स्ट पार्ट इज़ एक्स, सेकेंड पार्ट इज़ 20 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए हमें पी क्या मिल जाएगा, मतलब इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी हमें फंक्शन मिल गया है, अभी ये गिवन जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हमें डेरिवेटिव, मतलब इसके पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे, एफ डैश एक्स ना, तो वही है हमारा, अभी का डेरिवेटिव निकाले मतलब एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 20 माइनस टू एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड। अभी हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ठीक है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू, हम जीरो दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 20 माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो देयरफॉर 20 इज इक्वल्स टू टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 बाई टू मतलब 10। तो यहाँ पर देखिए एक्स का हमें एक वैल्यू मिल गया, क्या है वो, 10। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया हुआ है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 का डेरिवेटिव जीरो, टू एक्स का डेरिवेटिव टू। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टू। अभी हम ये पॉइंट पुट करेंगे, पुट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डबल डैश 10 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक्स तो है ही नहीं, तो मतलब ये माइनस टू ही रहेगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये ज़ीरो से बड़ा है कि छोटा है, ज़ीरो से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे, देयरफॉर एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेन मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रूफ करना था ये हमारा, तो हमने दिखा दिया ये हमारा मैक्सिमम अटेंड करने वाला है एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, एक्स क्या मिला हमें, 10, और सेकेंड पार्ट क्या मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट क्या है, 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। तो फर्स्ट पार्ट इज 10, सेकेंड पार्ट इज 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा इक्वेशन था, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा था, मतलब कि हमें वहाँ पर इक्वेशन बनाना था, सेम ऐसे ही यहाँ पर एक जो गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे ये मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम पे हमें इट्स एरिया इज मैक्सिमम पे हमें उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ ब्रेथ क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, एक लेंथ है 36 सेंटीमीटर का एक लंबा वायर है, उसको हमें बेंड करना है और एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो ये हमने बेंड कर दिया
और ये रेक्टेंगल बना दिया। ओके तो देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये 36 मीटर वायर था। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं जो उसका ब्रेड्थ है वो क्या है, एक्स है। उसका ब्रेड्थ क्या है, वो एक्स है। ओके लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ये ब्रेड्थ एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो टोटल ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, टोटल ब्रेड्थ क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 36 सेंटीमीटर का लंबा वायर था उसमें से हम लोग 2x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ पे 36 था उसमें से हमने 2x माइनस कर दिया। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2x है, ठीक है। तो 36 में से 2x माइनस हो गया तो क्या बच गया, 36 माइनस 2x। तो अभी 36 माइनस 2x से हम क्या बनाएंगे, लेंथ। ये लेंथ क्या है, दिस एंड दिस। तो अभी ये लेंथ दोनों इक्वल है तो ये जो बचा हुआ वायर है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 36 माइनस 2x को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 18 माइनस x, तो ये हमारा l कितना मिल जाएगा, 18 माइनस x, ठीक है। तो 18 माइनस x हो जाएगा, ये भी 18 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने ट्राई किया हुआ जो अपना क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। ओके तो मैं अभी आपको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रेथ कितना अज्यूम किया, एक्स। देयरफॉर टोटल ब्रेथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x। ओके नाउ अभी हमें क्या करना है, लेंथ। लेंथ हमारा क्या है, टोटल जो अभी बचा हुआ वायर कितने का, 36 माइनस 2x। ओके तो हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एंड देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है बचा हुआ वायर कितने का है, 36 माइनस 2x को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रेड कितना मिल गया, हमारा x दिया हुआ है, और लेंथ कितना मिल गया हमें, 18 माइनस x, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो व्हाट इज़ लेंथ, 18 माइनस एक्स है, और व्हाट इज़ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स है, ठीक है। तो लेंथ इनटू एरिया क्या मिल गया हमें, देयरफॉर एरिया इसको हम एफ ऑफ एक्स इंडिकेट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसे डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 18 माइनस 2x। ओके अभी हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, वी पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो देयरफॉर 18 माइनस 2x हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 18 इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 डिवाइड बाय 2 मतलब 9। तो यहाँ पे देखिए x का हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, क्या मिल गया, 9। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 18 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2। तो यहाँ पे f डबल डैश क्या मिल गया आपको, देखिए -2। अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ओके यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें ये वैल्यू पुट करना है,
एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टू फॉर एक्सटर्नल वैल्यू. अभी हम क्या करते हैं, एक्स देयरफॉर एफ डबल डैश 9 हमने पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टू. ये माइनस टू क्या है, ज़ीरो से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है. ओके तो देयरफॉर ये हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम दिख गया हमें व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, मतलब जब हमने एक्स इज इक्वल्स टू 9 पुट किया तो हमें क्या मिला, माइनस टू लेस देन ज़ीरो. ये इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम. ठीक है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 9. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी एक्स क्या है हमारा, ब्रेथ. तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन मिल रहा है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर. ठीक है, लेंथ क्या, ब्रेथ क्या लिया था हमने, एक्स. एक्स क्या मिल गया हमें, 9. एंड लेंथ क्या था, एल इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 9, मतलब ये भी हमारा क्या मिल गया, 9. तो ब्रेथ हमें 9 मिल गया, लेंथ हमें 9 मिल गया. तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल मिल गया, सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देखिए ध्यान से रीड करिए पहले क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. देखिए अभी क्वेश्चन क्या दिया, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर हैज़ द एरिया 24 स्क्वायर मीटर. ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर है. ओके, और द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम इज 75 सेंटीमीटर एंड साइड में 50 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बॉटम टॉप का जो मार्जिन दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पेपर इफ द एरिया ऑफ अ प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम. ठीक है, तो पहले जो मार्जिन स्पेस है मतलब वो उसको हमें छोड़ना है, जो वो छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन का मतलब है. और उसका जो डायमेंशन है वो हमें बताना है. ठीक है, तो सपोज हम लोग का लेंथ हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा ब्रेथ ये वाई है. ठीक है, ये दिस इज एस एक्स, दिस इज वाई. अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ने के लिए बोला हुआ है, टॉप क्या है 75 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 75 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 75 सेंटीमीटर. ओके, और साइड में देखिए 50 सेंटीमीटर छोड़ने के लिए बोला है, मतलब ये 50 मीटर, ये 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा रेक्टेंगुलर बन रहा है ये क्या है 75, ये क्या है 75, ये क्या है 50, ये क्या है 50. ठीक है, तो देखिए एक्स में हम क्या कर रहे हैं, ये 50 प्लस ये 50. ओके, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ओके, तो हमने क्या किया, ये जो टोटल एक्स है, एक्स में से ये 1 माइनस हो जाएगा, ये जो ये है वो क्या मिल गया हमें, एक्स माइनस 1. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स माइनस 1 है. ओके, अभी वाई में देखिए 75 क्या मिल जाएगा, 1.5 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो y है, y में से हम 1.5 माइनस कर लेंगे तो हमारा ये y माइनस 1.5 मिल गया. ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये अभी जो ये मार्जिन को हमें कट करना है, मतलब जो ये बाहर बाहर के जो पार्ट है वो उस कट करना है, दिस इंटू दिस, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, वो हमें मैक्सिमम में वो बताना है और उसका डायमेंशन हमें चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने डायग्राम में समझने के लिए कोशिश की हुई है. ओके, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या लिया हुआ है, लेट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर
sheet of the paper. B, x meter and y meter. ठीक है, तो therefore area of the rectangular sheet of the paper हमें दिया हुआ है is equals to what 24 square meter is equals to 24. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या होता है x इंटू वाई, जो भी हमारा डायमेंशन है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 24. ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम y इज इक्वल्स टू 24 बाय x लिख लेते हैं ताकि आगे जब हमारा वेरिएबल चेंज करना हो तो ये हमें काम आएगा. ओके, तो अभी देखिए हमें डायमेंशन किसका फाइंड आउट करना है, प्रिंटेड स्पेस का. ठीक है, तो ये तो टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल था, लेकिन हमें किसका चाहिए, दिस पार्ट अंदर वाला जो बॉक्स है दिस इसका डायमेंशन चाहिए हमें. ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द प्रिंटेड स्पेस आर क्या हो जाएगा, x माइनस वन एंड y माइनस 1.5 मीटर. ओके, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया जो अंदर वाले पार्ट है. अभी हम क्या करते हैं, एरिया, लेट एरिया ऑफ द प्रिंटेड पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, इसे हम एफ ऑफ एक्स इंडिकेट करते हैं, एल एक्स इंटू वाई. ठीक है, एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस वन और वाई क्या हमारा वाई माइनस 1.5. ओके, तो इसे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे. अभी यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वाई है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई की जगह हम क्या लिख देंगे 24 बाय एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट एक्स माइनस वन, वाई की जगह पे हम 24 बाय एक्स यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमें फंक्शन मिल जाएगा. ओके, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 हो जाएगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 1.5x हो जाएगा. वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 24 बाय एक्स और यहाँ पर प्लस 1.5. ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा ये फंक्शन मिल गया है, अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा इज इक्वल्स टू, ये इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1.5 माइनस 24. 1/x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, माइनस 1/x² प्लस 1.5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस 24 बाय x². ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया है. अभी हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो देखिए आपके मिल जाएगा, ये एक यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 24x² इज इक्वल्स टू 1.5. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 24 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू x², मतलब आप इसे भी डिवाइड करोगे तो ये इसे हम क्या कर देते हैं, 16 इज इक्वल्स टू वॉट x². तो अभी हमें x का दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल्स टू वॉट प्लस माइनस 4. ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हमें x का दो वैल्यू मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, x का हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
क्योंकि मार्जिन जो एरिया है हम नेगेटिव नहीं दिखा सकते, पॉजिटिव दिखा सकते हैं, तो हमारा जो मार्जिन होगा पॉजिटिव लेंगे, एक्स जो नेगेटिव है वो पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देते हैं, एक्स इज मार्जिन ऑफ साइड, ओके, इट इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस फोर पुट नहीं करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू फोर पुट करेंगे। इसके लिए कहाँ पर पुट करेंगे, उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट जो हमारा इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस 1.5 का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 24 वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू 3 मिल जाएगा, मतलब माइनस 48 बाय एक्स क्यूब मिल गया, एफ डबल डैश एक्स क्यूब, ओके। अभी ये जो फंक्शन मिला हुआ है इसमें हम एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, नेगेटिव 4 पुट नहीं करेंगे, पॉजिटिव 4 पुट करेंगे, देयरफॉर एफ डबल डैश 4 क्या मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस 48 बाय 4 रेस टू 3 इज इक्वल्स टू 60, ओके। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस 3 बाय 4, माइनस 3 बाय 4 ज़ीरो से छोटा है, तो यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, ओके। देयरफॉर प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रूफ करना था, हमें मैक्सिमम प्रूफ कर दिया हमने, अभी हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक्स और वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 हमें मिल गया, हमें वाई चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर वाई हमारा क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 24 बाय एक्स है, मतलब 24 बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6, तो यहाँ पे हमें वाई इज इक्वल्स टू 6 मिल गया। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ पेपर आर व्हाट, 6 एंड 4, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द पेपर आर 6 मीटर एंड 4 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज अ लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट टू वर्टाइसेस लाइज ऑन अ डायमीटर, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट का रेडियस का एक सेमी सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगल है, तो वो लार्जेस्ट साइज क्या होगा रेक्टेंगल का, वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पर एक पहले मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ क्या करना है हमें, एक 1 यूनिट का रेडियस है और उससे सेमी सर्कल बनाया हुआ है, ओके। और ये जो सेमी सर्कल है इसमें एक रेक्टेंगल है, ठीक है, वो रेक्टेंगल जो है वो लार्जेस्ट रेक्टेंगल का साइज़ क्या हुआ वो हमें बताना, ठीक है। उसके अंदर कितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हुआ या फिर ये रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, या फिर ऐसा एक रेक्टेंगल होगा, तो वो लार्जेस्ट जो रेक्टेंगल होगा, लार्जेस्ट साइज होगा उस, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसे हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा सेंटर है, इसे हमने वो कंसिडर किया जिसका रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, सपोज इसे हमने ए कंसिडर किया, ओ टू ए 1 यूनिट है, ओके। और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, दिस। अभी रेक्टेंगल का कंडीशन क्या दिया हुआ है, और रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है,
जो भी सेमी सर्कल है उसके अंदर, मतलब ज़रूरी नहीं है सेमी सर्कल हो, कोई भी डायग्राम हो सकता है, उसके अंदर हो और उसका जो वर्टाइसेस हो वो उसके सेमी सर्कल के लाइन पे टच करता हो, उसके बाहर नहीं जाता हो या फिर उसके अंदर नहीं होता रहेगा, ठीक है। और उसमें से जो सेमी सर्कल इनसाइड द इन द सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन अ डायमीटर, और उसमें से जो 2 वर्टाइसेस है वो डायमीटर पे कहीं पर है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये डायग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये सपोज सेंटर है, ओके। अभी हमने ये जो रेक्टेंगल बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ये एस हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ऑल जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इतना हमें पता है। अभी हमें लार्जेस्ट साइज़ चाहिए, लार्जेस्ट साइज़ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हमें लेंथ इंटू ब्रेथ हाइस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल और बी फाइंड आउट करना है, समझ में आया क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एल और बी, लेंथ क्या होगा ब्रेथ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सपोज अभी यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं हम ये इसका जो लेंथ है वो एक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स कंसिडर किया, ये एक्स है तो मतलब ये भी एक्स होगा, और जो ब्रेथ है उसको हमने वाई कंसिडर किया, मतलब ये हमारा वाई है, ओके। और इसका रेडियस क्या है, 1 है, मतलब रेडियस क्या हुआ 1 है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस होगा, दिस ऑल्सो अ रेडियस, तो ये हमारा ओ पी ऑल्सो अ रेडियस, ये ओ पी कितना है 1 यूनिट, ये हमें पता है, ओके। अभी अभी देखिए आर एस एक्स है, पी क्यू एक्स है, एस पी पी एस वाई है, और क्यू आर वाई है, ओके। और ओ ए मतलब रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, ये हमारा गिवन कंडीशन है। तो हमें एल और बी फाइंड आउट करना है, वो भी लार्जेस्ट रेक्टेंगल का होगा, ओके। तो अभी देखिए हमें करना क्या है, जो भी मैंने अभी डायग्राम बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ हमने क्या डायग्राम में बनाया हुआ है, ओके। तो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सच दैट द वर्टाइसेस, ये हमें दिया हुआ है जो कि हमने डायग्राम बनाया हुआ है, एस एंड आर लाई ऑन द डायमीटर एम एन, ये हमने डायमीटर को नाम दे दिया है, ये एम और ये एन, ठीक है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, ओके। अभी देखिए लेट ये जो रेक्टेंगल है उसके बारे में हम लिख देते हैं, लेट पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, ठीक है, उसे हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम कर लिया है, एंड पी एस एंड क्यू आर, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, जिसे हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, वाई अज्यूम कर लिया हुआ है, ओके। तो ये हमारा जो हमने डायग्राम बनाया उसे हमने लिख लिया हुआ, ओके। और जो ए ओ ए हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, रेडियस, ठीक है, एंड ओ ए इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है, रेडियस गिवन, ठीक है, 1 है, 1 यूनिट, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका कंडीशन हमने यहाँ पर लिख लिया और डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, ओके। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ओ पी हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है, ओ पी क्या है, 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ डायमी सेमी सर्कल है,
ठीक है। तो ये अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर ये हमारा ट्राइंगल बन जाता है पी एस ओ, ठीक है। तो अभी हम ये ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए पी एस, पी एस हमारा क्या है, पी एस इज इक्वल्स टू वॉट वाई है एंड ओ पी, ठीक है। इसके पहले हमने क्या लिखा नहीं, ये ट्राइंगल हमने अज्यूम किया हुआ ऐसे, तो ये हमने इसे ड्रॉ किया, ओ पी हमने ड्रॉ किया, तो हमारा ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल पी एस ओ एस, क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ओके। अभी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें पी एस देखिए क्या है, पी एस इज इक्वल्स टू वाई है और ओ एस ओ, ये एस ओ, एस ओ क्या है देखिए, अभी हमने इसे एस आर का ये मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। एस आर का मिड पॉइंट मतलब ये मिडल पे है, तो ये हाफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। उसे हमें एस ओ क्या मिल जाएगा, एस ओ इज इक्वल्स टू वॉट हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्यू, क्योंकि एस और आर, एस आर को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स, टोटल लेंथ एक्स कंसिडर किया हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ओ एस मिल गया एक्स बाई टू एंड ओ पी क्या है, पी ओ इज इक्वल्स टू वॉट वन यूनिट। ये हमारा ट्राइंगल जो है इसके बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया, पी एस इज इक्वल्स टू वाई, ओ एस ओ इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स बाई टू और ओ पी इज इक्वल्स टू वॉट वन यूनिट, ठीक है। अभी हम ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे नाउ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, पी एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया हुआ है, ओ पी मतलब क्या दिया हुआ, देखिए हमें वन दिया हुआ, वन का स्क्वायर, पी एस क्या है वाई का स्क्वायर और ओ एस क्या है एक्स बाई टू, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें का स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखिए एक्स और वाई के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा, वन इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर को अभी फोर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, फोर इज इक्वल्स टू वाई, फोर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी देखिए एक्स वहाँ पे जाएगा तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इज इक्वल्स टू वाई, वाई स्क्वायर मिल गया हमें, ठीक है। पहले एक्स वहाँ पे गया फिर हमने फोर को डिवाइड कर दिया, अभी ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू वॉट अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर, ये फोर रूट के बाहर आ जाएगा तो मतलब वन बाई टू अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमें वाई का वैल्यू मिल गया है, ओके। तो वाई क्या मिल गया दिस, और हमारे पास अभी हम एरिया ऑफ अ, देखिए अभी हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। इसे हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, इसका लेंथ कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन उस लेंथ को हमने एक्स कंसिडर किया। अब ये वाई हमारा है, ब्रेड्थ है वो, ठीक है, रेक्टेंगल का। अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इन टू ब्रेड्थ, लेंथ को हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है और ब्रेड्थ को हमने वाई कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है एक्स इंटू वन बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखिए अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, हमें इक्वेशन मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू वॉट एक्स इंटू वन बाई टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। या फिर आप लिख सकते हो एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो अभी हमें एरिया इक्वेशन मिल गया है,
इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखिए यू इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये u है ये v है, हम यहाँ पर हम u इंटू v का रूल अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x बाई टू। यहाँ पे हम चैन रूल अप्लाई करेंगे, पूरे टर्म को x कंसीडर किया, रूट x का डेरिवेटिव क्या, तो वन अपॉन टू रूट x। फिर अब x का डेरिवेटिव निकालोगे मतलब फोर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे, चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाई टू। ओके अभी से यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी है, एक्स बाई फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू फोर, और यहाँ पर देखिए फोर का डेरिवेटिव ज़ीरो, माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस बाय टू। ओके ये टू टू ज़ा फोर, ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है अभी यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, टू यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और से ऐड करते हैं, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टू रूट रूट कैंसल, फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पर हमने इस आइटम को ऐड कर दिया, इसे क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, एट माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फोर अगर हमने कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा, फोर हमने कॉमन लिया तो ये टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर टू बचेगा, तो यहाँ पर और ये फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये फोर फोर गेट कैंसल्ड। ओके तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव क्या मिल गया, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अभी देखिए इसके बाद हम फर्स्ट जब डेरिवेटिव निकाल लेते थे तो उसके बाद हम क्या करते थे, उसे हम ज़ीरो से कंपेयर करते थे, क्यों, उसका एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू comparing dA by dx is equals to what, zero, तो हमें क्या मिल जाएगा, टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ज़ीरो। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ज़ीरो। यहाँ पे टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, अंडर रूट टू। ठीक है यहाँ पे देखिए अभी हमें x का वैल्यू मिल गया, ओके तो अभी हमें x का वैल्यू मिल गया तो हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो y का वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। देखिए हमने ऊपर इक्वेशन बनाया हुआ है, y क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए हमने y इज इक्वल्स टू लिखा था, y इज इक्वल्स टू वॉट, वन बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हमने उसे भी पहले एक इक्वेशन बनाया हुआ है, नो दिस ये इक्वेशन। ठीक है यहाँ पर आप इसे इक्वेशन नंबर वन दीजिए, इसमें हम पुट करते तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, इसमें भी पुट कर सकते हैं या फिर इसमें भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। ठीक है हम इसमें यूज़ करते हैं, फोर इज इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। ठीक है और वाई इज इक्वल्स टू
सॉरी 4 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू रूट टू। तो यहाँ पर x की जगह पे रूट टू पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 वहाँ पे जाएगा, तो ये 2 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/2/4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर वाई क्या मिल जाएगा, अंडर रूट टू, 1/√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें x और y मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमने कंसीडर किया हुआ x और y, हमारा ये डायमेंशन है ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर, x क्या था रूट एक्स और y क्या था सॉरी रूट टू, और y क्या था हमारा 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हमने जो डायमेंशन फाइंड आउट किया है, ये किसका डायमेंशन है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में हमने x और y कंसीडर किया था, तो ये जो ये डायमेंशन है, ये हमारा रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल है जिस जो हाईएस्ट लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा इन साइड द सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, फिर से रिकैप करके आप देखिएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन देख के ही बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप इसको समझने के लिए कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन, अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज़ अ 5000 सब्सक्राइबर, कोई कंपनी है जिसके पास 5000 क्लाइंट्स हैं ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट फिक्स्ड रेंट चार्जेस ऑफ ₹3000 पर ईयर। ठीक है, जिसपे वो 3000 पर ईयर फिक्स चार्ज कलेक्ट करता है फ्रॉम ईच पर्सन, हर एक क्लाइंट से। ठीक है, मतलब 5000 × 3000, ओके, इसका टोटल फिक्स्ड चार्जेस इनकम होगा। द कंपनी प्रपोज्ड टू इंक्रीज एनुअल रेंट, ठीक है, कंपनी अभी बढ़ाना चाहती है एनुअल रेंट, एंड इट इज़ बिलीव दैट फ्रॉम एवरी इनकम ऑफ ₹1 इन रेंट वन सब्सक्राइबर विल बी डिस्काउंट, मतलब इसका इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर एक रुपया बढ़ाया तो हर एक रुपये पे एक सब्सक्राइबर वो डिसकंटिन्यू करेगा। फाइंड व्हाट इंक्रीज एनुअल रेंटल विल ब्रिंग द मैक्सिमम एनुअल इनकम टू द कंपनी। ठीक है, तो ये कंडीशन पे हमें बताना है कि कंपनी का एनुअल इनकम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझे, तो उसके पास कोई कंपनी है जिसके पास 5000 सब्सक्राइबर है, उनका 3000 पर ईयर फिक्स्ड रेंट है। ठीक है, कंपनी प्रपोज कर रही है इंक्रीज करने के लिए उनका एनुअल रेंट। ठीक है, एंड इट इज़ बिलीव दैट, वो लोग का मानना है कि अगर हम एक रुपया बढ़ाएंगे तो पर तो एक एक रुपये पर एक सब्सक्राइबर वो लोग का डिसकंटिन्यू करेगा। तो ये कंडीशन पे जो कंपनी है उनका एनुअल रेंट विल ब्रिंग द मैक्सिमम एंड द एनुअल इनकम टू द कंपनी। तो वो ये चेंजेस की वजह से एनुअल इनकम कितना होगा कंपनी का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो इंक्रीज़ है, अभी एक रुपये पे एक सब्सक्राइबर वो लोग का जाने वाला है, तो कितना इंक्रीज़ करेंगे वो हमें पता नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो एक्स रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ एक्स रुपीज़, तो लेट द एनुअल रेंट इंक्रीज बी रुपीस एक्स। ठीक है, एक्स रुपीस इंक्रीज कर रहे हैं पर सब्सक्राइबर, ओके, तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, देन द न्यू रेंट क्या हो जाएगा, नया रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नया रेंट क्या हो जाएगा उसका, विल बी और 3000 तो फिक्स चार्जेस है, उसमें हम
एक्स रुपीज़ ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा न्यू रेंट हो जाएगा 3000 प्लस एक्स रुपीज़, ठीक है, पर सब्सक्राइबर। ओके एंड एनुअल, सॉरी द नंबर, ना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने कम होंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विल बी, तो उसके पास पहले कितने 5000 सब्सक्राइबर थे, तो एक्स रुपीज़ बढ़ाएंगे तो एक्स सब्सक्राइबर उसके माइनस होनेंगे, उसके पास 5000 सब्सक्राइबर थे तो एक्स सब्सक्राइबर माइनस हो गया, तो अभी उसके पास कितने सब्सक्राइबर बच जाएंगे, 5000 माइनस एक्स सब्सक्राइबर, मतलब इतने क्लाइंट उसके पास बच गए, ठीक है। तो अभी उनका क्या करना है, एनुअल इनकम क्या होगा वो हमें बताना है एक्स मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट एफ ऑफ एक्स बी द इनकम, न्यू इनकम, बी द न्यू इनकम, तो इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ अ क्लाइंट इनटू नंबर ऑफ अ क्लाइंट क्या होगा दिस, और नंबर ऑफ सॉरी रेंट क्या होगा पर ईयर दिस, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ अ क्लाइंट क्या है 5000 माइनस एक्स इनटू रेंट क्या है ईयरली दिस, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा हमें। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओके दिस इनटू दिस 15 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस 5000 एक्स माइनस 3000 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, वन टू थ्री प्लस 2000 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। तो अभी देखिए इक्वेशन वन हो गया, अभी हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, फिर उसका वैल्यू पुट करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट हमें क्या बोला हुआ है, एनुअल इनकम फाइंड आउट करना है एट अ मैक्सिमम पॉइंट पे। ओके तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2000 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन सेकंड कर दिया। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, देयरफॉर 2000 इज इक्वल्स टू 2x, एक्स इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। x हमारा क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गया 1000, ठीक है। x का एक वैल्यू भी हो सकता है और दो वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ, एक ही वैल्यू मिला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे इसका, अभी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें f डबल डैश मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 2000 का डेरिवेटिव जीरो और 2x का डेरिवेटिव माइनस टू, ठीक है। तो इसका मतलब हमें डबल डैश x क्या मिल गया, माइनस टू। अभी हमें क्या करना है, x का ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर थ्री, इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे 1000, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर f डबल डैश 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो माइनस टू ही रहेगा, तो ये माइनस टू जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज़ द मैक्सिमम, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000, ठीक है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, एनुअल इनकम फाइंड आउट करना है। एक्स हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स रुपीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स हमें एक्स मिल गया, तो एनुअल रेंट, एनुअल इनकम टू द कंपनी मैक्सिमम, फाइंड आउट द इंक्रीज, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड व्हाट इंक्रीज एनुअल एनुअल रेंट विल ब्रिंग द मैक्सिमम एनुअल इनकम टू द कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन था, वो एनुअल इनकम को मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हमारा इंक्रीज होगा रेंट, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो रेंट हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, एक्स रुपीज़ इंक्रीज होगा, वो हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वॉट 1000, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रुपीज 1000 शुड बी द इंक्रीज इन द एनुअल रेंट ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप ध्यान से फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा और इसको गो थ्रू करिएगा तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक दो बार क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को करना क्या है ठीक है, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे ठीक है। क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड व्हाट इंक्रीज एनुअल रेंट, मतलब एनुअल रेंट क्या इंक्रीज होगा, विल ब्रिंग द मैक्सिमम एनुअल इनकम टू द कंपनी, मतलब जो एनुअल इनकम टू द कंपनी है वो उसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे और कौन से पॉइंट पे एनुअल इनकम मैक्सिमम होगा। तो एक्स हमने फाइंड आउट किया क्या, वो रेंट हमारा 1000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को गो थ्रू करिए अच्छे से। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पहले पहले रीड करिए। एन ओपन ओपन सिलेंडर सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट सो एज एन एज टू कंटेन वॉल्यूम ऑफ पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ठीक है। फाइंड द डायमेंशन सो दैट क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, सिलेंड्रिकल जो भी है ड्रम का, सो दैट क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम ठीक है। तो अभी देखिए ये कंडीशन पे हमें इक्वेशन बनाना है और वो कंडीशन को हमें मिनिमम प्रूफ करना है, वो पॉइंट पे हमारा डायमेंशन क्या होगा सिलेंडर का वो हमें बताना है। ओके तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, सिलेंड्रिकल एक ड्रम है जिसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज़ अ वॉल्यूम ओके, जिसमें हम इतना वॉल्यूम वाटर भर सकते हैं। फाइंड द डायमेंशन शो दैट क्वांटिटी ऑफ अ मेटल, क्वांटिटी ऑफ अ मेटल रिक्वायर्ड मतलब वो ड्रम बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मेटल लगेगी, इसका मतलब हमें कितना एरिया, पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ड्रम का ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, हमें एरिया ऑफ अ इक्वेशन सिलेंडर का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन को हम मिनिमम प्रूफ करेंगे ठीक है। वो पॉइंट पे हमारा डायमेंशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है ओके। तो यहाँ पर देखिए लेट यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं आर एच वी एंड ए बी द रेडियस हाइट वॉल्यूम एंड द एरिया टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ ओपन सिलिंड्रिकल टैंक ओके रिस्पेक्टिवली ठीक है। ये हमारा रेडियस है, हाइट है, वॉल्यूम है और एरिया है, कोई भी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है उसका, ओपन सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का ठीक है। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, देखिए अभी वॉल्यूम ऑफ देन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, देन वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम क्या है पाई ए क्यूब दिया हुआ है ठीक है। इसे हमने इक्वेशन वन लिख दिया ओके। तो इसके हेल्प से भी हम आगे देखते हैं, जरूरत रहेगी तो इसकी हेल्प लेंगे। एंड एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, टू पाई आर एच प्लस पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमने इसे सेकेंड इक्वेशन दे दिया ओके। अभी देखिए यहाँ पर हमने एक रिलेशन देखा हुआ है, ये क्या मिल जाएगा हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब ओके।
तो यहाँ पर r, हमें यहाँ पर r मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू व्हाट, या फिर h, h इज इक्वल्स टू व्हाट, a क्यूब बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए h का जो वैल्यू है यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, देयरफॉर a हमें क्या मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई r, h के जगह पे हमने a क्यूब r स्क्वायर लिख दिया, प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया देखिए क्या मिल जाएगा, r r गेट कैंसल्ड, 2 पाई a क्यूब बाय r प्लस पाई r स्क्वायर। ओके, तो देखिए अभी ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है, अब ये हमारा इक्वेशन है, एरिया का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी उसको मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आर रेडियस। तो यहाँ पे हमारा रेडियस इज़ वेरिएबल, आर इज़ अ वेरिएबल, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर इज़ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे पूरा टर्म कांस्टेंट है, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय ए क्यूब बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पर 2 बाय आर हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे मिलेगा, कंपेयरिंग डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू विथ 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2 पाई ए क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा जिसका आर का, आर और ए के बीच में रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का टर्म है, वहाँ पे लेके गए प्लस हो गया, पाई ए क्यूब बाय आर स्क्वायर। अभी आर यहाँ पर जाएगा, 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पाई ए क्यूब बाय 2 पाई, 2 पाई 2 पाई गेट कैंसल, तो यहाँ पे हमें रिलेशन देखिए क्या मिल गया, ए क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, ए क्यूब, तो यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए। ठीक है, तो देखिए आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, ए। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हम डिफरेंशिएट इक्वेशन 4th विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे हमें डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, देखिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, तो माइनस 2 पाई ए क्यूब कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, ओके, प्लस 2 पाई आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसे हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 पाई ए क्यूब बाय आर क्यूब प्लस 2 पाई, ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5th हुआ। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो हमने आर का वैल्यू फाइंड आउट किया यहाँ पर हम पुट कर देंगे दिस। ओके, तो डी ए बाय डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल्स टू ए, 4 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 2 पाई, ए क्यूब गेट कैंसल्ड, 4 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 पाई, 6 पाई ये 0 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एरिया, देयरफॉर ए इज मिनिमम एट आर इज इक्वल्स टू ए, मतलब जब रेडियस इज इक्वल्स टू ए था तो हमारा एरिया, जब एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हमें आर इज इक्वल्स टू ए मिल गया, हमें एच चाहिए, तो एच क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने देखो क्या लिखा था, वॉल्यूम का लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच,
इज इक्वल्स टू पाई ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर की जगह पे ए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखिए क्या मिल जाएगा, पाई ए स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई ए क्यूब। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू पाई ए क्यूब बाय पाई ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, एच इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए हमें एच हाइट क्या मिल गया ए, आर क्या मिल गया ए, ठीक है, हाइट एंड रेडियस इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ शीट मेटल रिक्वायर्ड इज मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस इज ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर हमने डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें मिल गया, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम ये वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1-7 के सारे एग्जांपल देख रहे हैं, 1-7 तक के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8-2 रिमेनिंग क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिनका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और बचे हुए क्वेश्चन को आप फॉलो करिए, ओके स्टूडेंट्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट करिए, और वेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्प कर रहा है तो। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है प्लीज़ उनको ये मेरा चैनल का जो लिंक है शेयर करिए, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।